नमस्कार, आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा आपकी उंगली ज्ञान की, अच्छे स्तर की भाषा शैली की उंगली जानी जाती है। यहाँ पर देखता हूँ तो बिल्कुल सामान्य स्वरूप से सूर्य की उंगली के साथ समानांतर रूप से चल करके ये उंगली ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति भाषा शैली से सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता अपने जीवन के अंदर, एक तरीके से जैसे जीवन को जीना चाहिए इस तरीके से जीता है और अच्छी याददाश्त भी होती है, भाषा शैली भी सुंदर होती है, तो विचार भी अच्छे होते हैं। किसी प्रकार का यहाँ पर कोई ख़राब विचार का अभी इस समय पर कोई चिन्ह यहाँ नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि जब थोड़ा उंगली इस तरह से छोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक रूपता नहीं रहती है, यानी उसे अप डाउन का अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है और यदि ये बृहस्पति की उंगली से ऊंची होती है तो ये एक बात जरूर है कि आपके जीवन के अंदर ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में ऊंचाइयों की तरफ जाता है, यानी वो अपने आप में हमेशा एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की तरफ जाता है, यानी कुछ ना कुछ प्राप्त करके आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये अच्छा सिंबल माना जाता है उंगलियों के अंदर। यहाँ पर भी किसी प्रकार के कोई बहुत बड़े रोग के निशान नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार के अभी आपके सम्मान में कमी के निशान है। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली और जब ज़्यादा टर्न लेकर के हो तो शनि खराब होता है व्यक्ति का। यहाँ शनि आपके पास कुंडली का आपका मजबूत है, शनि की 7.5 ढैया आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी और कुल मिलाकर के यदि किसी रोग की बात करें तो अभी रोग का कोई चिन्ह यहाँ पर इस उंगली पर तो नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर धन की स्थिति भी सामान्य रूप से बनी हुई है, यानी कोई बहुत बड़े लॉस की स्थिति यहाँ नज़र नहीं आ रही कोई भी। चलिए अब बात करेंगे बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली के लिए माना जाता है कि इसके सभी पर्व जो होते हैं वो ईश्वरीय कृपा के माने जाते हैं। साथ ही साथ इनके प्रत्येक पर्व पर कट का, काले दाग का या अन्य क्रॉस के चिन्ह आदि होते हैं तो उनका अलग अलग फल होता है। जब सामान्य रूप से सभी पर्व समान रूप के होते हैं तो व्यक्ति को पत्नी का सहयोग भी मिलता है और बच्चों का भी सहयोग मिलता है। तो ये अपने आप में ईश्वर आस्था और अपने ताकत के अनुसार दान पुण्य करने के लिए भी अच्छा सिग्नल उंगली के मौजूद हैं। चलिए बुद्ध पर्वत की बात करता हूँ। यहाँ बुद्ध का पर्वत और ये यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएँ, ये अपने आप में जो रेखा है ये वो रेखाएँ हैं छोटे छोटे रूप से, यानी कि जो आपके पास में कोई भी घबराने की स्थिति नहीं है, आपके पास निरंतर रूप से धन के आगमन बनाती रहेंगी, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। बहुत बढ़िया रेखाएँ संतान सुख के सहयोग के लिए। अब बात करेंगे यहाँ यश पर्व की और सम्मान के पर्व की। यहाँ पर अच्छी रेखाओं का होना बहुत ज़्यादा मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ कि यदि यहाँ पर अच्छी रेखा मिलती है तो व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी ऊंचाई प्राप्त होती है, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ मिलता है। तो यहाँ ऐसे विदेश यात्राओं के लिए भी व्यक्ति के पास यहाँ अच्छी रेखाएँ होनी चाहिए। अभी जो आपके पास यह छोटी छोटी सहयोगात्मक रेखाएँ हैं यह आपका सम्मान बनाने के लिए, यानी जिस क्षेत्र में आप हैं वहीं तक के लोग आपका सम्मान और आपका नाम जानते हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर यही छोटी छोटी रेखाएँ जो धन के पर्व पर खड़ी हैं, लेकिन जहाँ जितनी रेखा ये आपकी लंबी होती जाएंगी और गहरी होती जाएंगी उतनी ही धन की आपके जीवन में मजबूती हो जाएगी। जब इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएँ होती हैं तो धन का आगमन भी छोटा छोटा ही होता है, यानी कि अपने परिवार का सम्मान बचाने तक, अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरा करने तक का व्यक्ति धन कमाता है। तो ये रेखाएं 55 वर्ष से लेकर जीवन के अंत समय तक आपका साथ देंगी। ये मजबूत खड़ी हो जाए, गहरी खड़ी जाए तो और लाभ। ये रेखा अब बृहस्पति पर्व से निकलें और बृहस्पति पर्व से निकल करके जब यहाँ आपके शनि पर्व को देखें तो इनको बोलते हैं ज्ञान की रेखाएं, यानी कि ज्ञान कहाँ देख रहा है, शनि पर्व को, और शनि पर्व को ज्ञान की रेखाएँ देखें तो व्यक्ति ज्ञान से धन कमाता है। यानी अधिकतर मैंने देखा है ऐसे व्यक्तियों का जो काम होता है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी होता है। तो चलिए ये सब रेखाएं आपको मिली, अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा से इतनी सारी रेखाएं, जो रेखाएं नीचे को गिरती हैं, मैंने हमेशा वॉल्यूम में बताया भी है और वैसे भी रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना जो होता है वो लाभ के संकेत होता है। जब ये रेखाएं हृदय रेखा से गिरती हैं तो मन जो है ना वो अपने आप में संतुष्ट नहीं होता,
यानी कुल मिलाकर मन के अंदर जो संतुष्टि होती है वो नहीं होता। हृदय के अंदर कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है यार कुछ निराशा है, कुछ कमी है जीवन में। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता, और उसका कारण भी होता है जब यहाँ पर रेखाएं मुझे मिल भी रही हैं कि वास्तव में आप जीवन में आप संतुष्ट नहीं हैं, कोई रोग के संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। चलिए अब बात करूँगा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएँ वो रेखाएँ हैं जो व्यक्ति को कर्म के द्वारा, कर्म रेखाएं के रूप में बोलते हैं। अगर ये रेखाएं नहीं होती है तो ऐसा व्यक्ति घर पर हाथ पे हाथ रख कर के बैठा रहता है और सपने सजोता रहता है। आप कर्मशील व्यक्ति हैं, आपकी ये रेखाएं जाकर के भागदौड़ के लिए भी बता रही है कि भागदौड़ करता है, मस्तिष्क रेखा को करते हैं तो एनर्जी भी देता है, तो ये एनर्जिक रेखाएँ आपके पास मौजूद है, ये अच्छी बात है। आइए सेकेंड मंगल पर्वत के बारे में बात करूँ। सेकेंड मंगल पर्वत, और यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो कोई भी झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, इस तरह का कोई भी रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये एक अच्छा सिंबल माना जाता है। और चंद्र पर्वत, देखिए कितना सुंदर आपका चंद्र पर्वत, यानी कि मन के विचार बहुत सुंदर, व्यक्ति को पानी में डूबने से डर नहीं लगता, व्यक्ति पेयजल बहुत पसंद करता है पीना, और साथ ही साथ यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो है जल के काम करे या जूस के काम करे या डीजल पेट्रोल पंप के काम करे, यानी लिक्विड पदार्थों के काम करे, तो उससे अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त कर लेता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अब बात करता हूँ तो कुल मिलाकर मन बहुत सुंदर है, कहीं भी ईश्वर की कृपा से कोई तो बहुत बड़े रोग के संकेत भी यहाँ मौजूद नहीं मिले, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका जीवन अच्छा है। अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ सीधा ये भाग्य रेखा की। देखिए यहाँ कोई व्यावसायिक रेखा मुझे एक भी नहीं मिली, आपके अंदर ये हाथ की भाग्य रेखा तो जरूर मिली है लेकिन व्यावसायिक रेखा नहीं मिली है कोई भी। उससे पहले मैं आपकी बुद्धि रेखा की बात करूँ, भाग्य रेखा से पहले बुद्धि रेखा को जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो देखिए ये बुद्धि रेखा आपकी चलती है, ये बहुत सारी यहाँ पर राहु रेखाओं से कटी हुई है, यानी कि मानसिक चिंतन की रेखाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। जब ये मानसिक चिंतन की रेखा इस तरह काटती हुई रेखाओं को जाएं तो ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर काफ़ी मानसिक चिंतन लगा हुआ है अपनी जीवन की परिचर्चाओं को पूरा करने के लिए, तो वो अच्छी बात है, इसमें कोई डाउनफॉल नहीं है, डिप्रेशन में नहीं आने के हैं व्यक्ति, ठीक है। इसमें से जो रेखाएँ उठ रही हैं ऊर्जा आप में है, आप उसे पिकअप कर लेंगे, आप उसे कैचअप कर लेंगे, इस तरह की उठने वाली रेखाओं का यहाँ फल माना जाता है। चलिए अब बात करता हूँ भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा बहुत ही सही तरीके से चली, मणिबन से आ रही है क्या? हाँ, मणिबन से नहीं है, यानी कि परिवार से हट करके आपने नौकरी करी और उस नौकरी की भाग्य रेखा बहुत अच्छा, दूसरे हाथ के अंदर देख रहा हूँ तो यहाँ अच्छी रही 34-35 वर्ष तक, और यहाँ असली जो उसमें डाउनफॉल शुरू हुआ आपके जीवन में, वो आपके जीवन में कहाँ कहाँ हुआ मैं उसका बताने वाला हूँ आपको। फल, सबसे पहले आपने पूछा है कि यहाँ पर मैं नौकरी बदलना चाहता था परंतु आज नौकरी छूट गई है, आगे का भविष्य क्या है, क्या नौकरी पदोन्नति के साथ मिलेगी और कब तक? चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हैं कि भाई मेरे जीवन में यहाँ नौकरी छूट गई है, तो देखिए आप छूट गई है तो अच्छी बात है, नहीं भी छूटती तो दूसरे हाथ में यदि आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ से एक राहु रेखा काट रही है, दूसरे में दिखला देते हैं, ये आपके जीवन का 51 से 53 वर्ष था, ये आपके जीवन में निश्चित रूप से आपको नौकरी बदलनी पड़ती, या उसके साथ में आपको एक ऐसा कह सकते हैं कि उसके साथ में आपको नौकरी बदलनी पड़ती और या आपके जीवन के अंदर आप स्वयं उस नौकरी को छोड़ जाते, अभी छूट गई आगे नहीं तो खुद छोड़ जाते। अब यहाँ आप बात देखिए, यहाँ राहु पर्वत पर ये तीन रेखाएँ खड़ी हुई हैं, यानी कि अचानक से आपके जीवन के अंदर, ये अचानक भी है, यहाँ लॉटरी योग नहीं है, इसको आप लॉटरी लोग ना समझे, ये अचानक से लाभ का स्रोत शुरू हुआ है, ये वो स्रोत है जो आपको पैतृक संपत्ति अचानक से दिलाएगा, लॉटरी से नहीं, सट्टे से नहीं, अचानक पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलाएगा, एक बात। दूसरा, अचानक आपको नौकरी दिलाएगा, और ऐसी स्थिति नौकरी की जो है, आप पूछते हैं कि पदोन्नति के, मैं नौकरी को तो पदोन्नति तो लगभग तनख्वाह तो आपकी लगभग लगभग बराबर रही, हो सकता है थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा, बहुत बड़ी नौकरी में तनख्वाह में फ़र्क नहीं आने वाला है, परंतु ये बात ज़रूर है
कि आपको ये बहुत अच्छे अवसर शुरू होंगे नवंबर से लेकर के, और नवंबर के बाद में नौकरी के मुझे योग ज़्यादा नज़र आते हैं। आपने कहा सन 2012 में एक मकान लिया था, उसी समय नौकरी छूट गई थी और मकान बेचना पड़ा था, अब दोबारा मकान लिया है 2 वर्ष पहले, इसके बारे में भी विस्तार से बताएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ आपके हाउस की रेखाएँ। यहाँ पर ये जो एक आपको ये जो रेखा यहाँ खड़ी है इसके नीचे, ये आपकी हाउसिंग की रेखा थी जिन्होंने आपको आपको 2 वर्ष पहले आपके जीवन में आपको मकान दिलाया, तो वो रेखा यहाँ पर थी। आप इसके बाद आपका मकान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, जो दूसरा मकान है बिल्कुल भी आपका दूसरा मकान नहीं मिलेगा, अभी आपका सही रूप से वहीं पर आपका कार्य आ जाएगा और उससे आप अनुकूल अपनी स्थिति बना सकेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, आपका मकान नहीं बिकने वाला है, थोड़ा सा संयम करके चलिए, कुछ उपाय बता दूंगा, उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद में आपको पैतृक संपत्ति भी मुझे लगता है लगभग लगभग 1 से 1.5 साल 1 से 2 साल के बीच में आपको पैतृक संपत्ति भी मिल जाएगी। तो ये आपका इस तरह का है, तो अब मकान नहीं बिकेगा आपका। मकान लेने की वजह से थोड़ा कर्ज की भी स्थिति है, कब तक मुक्ति मिलेगी, आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए आर्थिक स्थिति आपके जीवन के अंदर जो दिसंबर जनवरी में आ रहा है इससे आपके पास लगातार आगे भी जैसी स्थिति आपके यहाँ दिसंबर से शुरू होगी ऐसी स्थिति आपके 65वें वर्ष तक भी रहेगी, यानी कि वही सेम स्थिति वहाँ पर रहेगी आर्थिक स्थिति। और जो आपके कर्ज वाली बात है वो मैं समझता हूँ लगभग आप यहाँ पर आप लगभग ऐसा हो सकता है कि आपको 64-65 वर्ष की आयु लग जाए आपका कर्ज उतारने में, धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतरेगा, उसके लिए मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, उन्हें कर लेंगे तो अच्छा आपको ज़्यादा अच्छी जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा, कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। घबराइए मत, कर्ज उतरेगा, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के लिए पूछा आपने स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अभी मुझे स्वास्थ्य खराब का कोई भी संकेत हाथ के अंदर नज़र नहीं आ रहा है, तो अभी कोई ऐसा यहाँ पर रोग का चिन्ह ना तो हृदय रेखा से दिखाई दिया, ना आयु रेखा पर दिखाई दिया, ना ही मस्तिष्क रेखा पर दिखाई दिया, तो अभी आपका स्वास्थ्य आपका ठीक है, कोई चिन्ह यहाँ बन के आया नहीं है, 9 महीने बाद आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। पैतृक संपत्ति का मैंने आपको बताई दिया, वो आपको मिल जाएगी, चिंता ना करें आप। 2 पुत्री हैं, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए पुत्री की जन्मपत्री आपको दिखानी पड़ेगी, उससे हम बता सकते हैं उनके जीवन में क्या क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए मैंने आपके सभी सवालों का आपको जवाब दे दिया है, अब मैं बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में आप उन्नति करें और आपका कर्ज जल्दी जल्दी आप उतार सकें। तो सबसे पहले दारिद्र्य दहन स्रोत, ये इसके करने का तरीका भी लिख दूंगा, दारिद्र्य दहन स्रोत का मैं लिंक भी भेज दूंगा, उसको यदि आप करेंगे इतनी तेज़ी से आपका कर्ज घटेगा, उसका जो इफ़ेक्ट होता है जो उस पूजा का प्रभाव शुरू होता है वो लगभग आप कह सकते हैं 108 दिन बाद उसका असर तेज़ी से आना शुरू होता है। तो वो करिए आप दारिद्र्य दहन, और साथ ही साथ पढ़िए आप संकट नाशन गणेश स्रोत पर, 2 पूजा करिए, और यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आप बेहतरीन सा एक पन्ना पहन सकते हैं, तो ये बेहतरीन सा एक पन्ना पहन सकते हैं, उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा भी सकते हैं। बस ये करिए और अपने जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।